अब जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी अब दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी। अब जम्मू कश्मीर में भी सरकार बिना उपराज्यपाल की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग्स नहीं कर पाएगी। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया है, तब से यहां चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो सरकार का गठन होगा, चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। ये शक्तियां या पावर्स वैसी ही होंगी जैसी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नियम में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। डोडा के कम्युनिटी हॉल में कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला व प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी व अन्य नेता मौजूद थे। बड़ी तादाद में मकामी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं मीडिया से रूबरू करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वाणी ने कहा कि हमने पिछले चुनाव में चिनाब वैली और रजौरी पुंछ में अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में ढिंडोरा पीटा था कि हमने 370 हटा दी है और हालात सामान्य कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकी हमले लगातार जारी है और हमारे जवान बलिदान हो रहे हैं। लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि इस कम्युनल पार्टी को हराना है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू संभाग के जिला डोडा के पहाड़ी क्षेत्र में एक मिनी बस के सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 17 अन्य घायल हो गए। मिनी बस दुर्घटना बकियास के पास हुई, जब मिनी बस भले से ठाटली की तरफ जा रही थी। बचाव कर्मियों ने एक महिला मृत मिली, जबकि एक अन्य को इलाज के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं डीसी डोडा ने जानकारी देते हुए बताया कि ठाठरी गुंदों में एक मिनी बस खाई में लुढ़क गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई व 17 अन्य घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों में से 6 को जीएमसी डोडा स्थानांतरित कर दिया गया है। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों में मतभेद को दूर करने और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के केंद्र के कदम के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे राज्य का दर्जा घटा दिया गया। संसद में वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था, लेकिन इस नए फैसले का उद्देश्य राज्य को खोखला बनाना है, जिसमें चुनी हुई सरकार के लिए कोई शक्ति नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के लोग इसका समर्थन नहीं करते। जिला कठुआ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पहाड़ी क्षेत्र बदनोता में आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। क्षेत्र में शांति के लिए प्रशासन के पूरे प्रयास जारी है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला बदनोता में सन्नाटा है। पर्यटक अभी यहां आने से हिचक रहे हैं। बदनोता का परी वाटरफॉल और मनमोहक वादियों के बीच श्रृंखलाबद्ध 14 मंदिरों की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन अब पर्यटक यहां आने से हिचक रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ गई। बीजेपी को उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत से संतोष करना पड़ा, तो वहीं इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर विजय हुई। 4 पर कांग्रेस, 4 पर टीएमसी, 1 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर डीएमके, तो वहीं बिहार की रुपौली से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए रमेश चंद्र मिश्रा के वीडियो ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है।
भाजपा विधायक के वीडियो संदेश के बाद राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इससे पहले गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता मोती सिंह ने तो अपने 42 साल पर 7 साल भारी बता दिए। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के पोस्ट में कहा गया है कि भाजपा के ब्राह्मण विधायक रमेश मिश्रा ने यूपी के ठाकुर सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है।